तो दोस्तों, मित्र फ्रांस की तरफ से आज भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है और आप सभी ने बहुत सारे दिनों के अंदर सुना होगा कि भारत ने फ्रांस से राफेल ले लिया, फ्रांस से हम सबमरीन ले रहे हैं और इसके अलावा फ्रांस के साथ अन्य सारे कई हथियारों को लेकर भारत की डील चल रही है। परंतु पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब फ्रांस ने खुद भारत के मेड इन इंडिया कार्यक्रम के अंदर रुचि दिखाई है और भारत के अंदर बने हथियारों को अपनी सेनाओं में शामिल करने की रुचि दिखाई है। दरअसल हमारी जो शिप और डिस्ट्रॉयर बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है मझगांव शिप बिल्डर, उनके चेयरमैन का मीडिया पत्रकारों की तरफ से इंटरव्यू किया गया जिसके माध्यम से उन्होंने ऐसी जानकारी दी कि हम फ्रांस की सरकार के साथ में भी बातचीत कर रहे हैं ताकि फ्रांस की नौसेना के लिए डिस्ट्रॉयर और जो फ्रिगेड हैं वो भारत के मझगांव डॉक शिप लिमिटेड की तरफ से बनाकर तैयार की जा सकें। और भारत के लिए खुशी की बात यह है कि फ्रांस की सरकार की तरफ से भारत के इस ऑफर के अंदर काफी ज्यादा रुचि दिखाई जा रही है और भारत के मझगांव डॉक शिप बिल्डर के साथ फ्रांस की सरकार का जल्द ही कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन हो सकता है जिसके द्वारा भारत के मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत फ्रांस की नौसेना के लिए डिस्ट्रॉयर शिप और जहाजों को बनाकर तैयार किया जाए। वैसे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि फ्रांस के पास खुद की नेवल ग्रुप नाम की कंपनी है जो कि पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर जहाज और फ्रिगेट वगैरह बनाती है, परंतु भारत की कंपनी की तरफ से फ्रांस की सरकार को कहा गया है कि यदि आप हमारे डिस्ट्रॉयर शिप और जहाजों को लेते हो तो हम आपकी कंपनी नेवल ग्रुप की तरह आपको बिल्कुल उतने ही ताकतवर जहाज तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, साथ में इनकी जो कीमत है वो आपकी कंपनी के जहाजों की कीमत की तुलना में 25% सस्ती पड़ेगी। यानी भारत के जो जहाज हैं वो फ्रांसीसी जहाजों की तुलना में फ्रांस की नौसेना को 25% सस्ते पड़ेंगे और इसी के कारण फ्रांस की जो नौसेना है वो भारत के इस ऑफर के अंदर काफी ज्यादा रुचि दिखा रही है। और दोस्तों, पहली बार ऐसा होगा कि यदि यह डील हो जाती है तो भारत के द्वारा बनाए गए डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट फ्रांस की नौसेना के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। यानी भारत के अंदर अब वर्ल्ड क्लास के हथियार बनाने की जो क्षमता है वो आ चुकी है। फिलहाल मैं आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या भारत को फ्रांस की नौसेना के लिए डिस्ट्रॉयर शिप जहाज और फ्रिगेट बनाने चाहिए, हाँ या फिर ना, कमेंट बॉक्स में फिर आप इस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।